वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं आपका दोस्त अनस अहमद और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है रमजान का सातवां रोजा, तो माशाल्लाह से ये भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, अभी पूरा होने वाला है। तो भाई, आज का जो इफ्तार होने वाला है यार, आज मैं सोचता हूँ आज होनी चाहिए फिश। तो भाई जा रहा हूँ फिश के लिए और देखता हूँ इसमें तंदूरी मिलेगी या फ्राई मिलेगी मुझे। तो भाई आज बनाने वाला हूँ मैं पिज़्ज़ा, जो तंदूरी रोटी से बनेगा। आज मैं तंदूरी रोटी से एक पिज़्ज़ा घर पे बनाऊँगा और थोड़ा सा खरबूजा शेक वगैरह बनाने वाला हूँ। तो आज इफ्तार में माशाल्लाह से बहुत कुछ हो जाएगा, इधर उधर से सब कुछ वैरायटी हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो और थोड़ा बाहर जाके मैं देखता हूँ वहाँ क्या लाना है। तो गाइस, तो भाई असर हो चुकी है, अब नमाज़ पढ़ने जाना है। बस थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ, काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग आई मीन 100% पूरा हो चुका है। और पेंटर से भी थोड़ी हमें जान छूट चुकी है। भाई आज पेंटर साहब नहीं दिखाई दे रहे, लो पेंटर साहब भी आ गए। भाई क्या हाल है भाई को? भाई पेंटर साहब को मिल गया वहाँ घर के सामने काम, तो आजकल वहाँ लगे हुए बेचारे। तो भाई ठीक है, काम मिल गया आपको? काम मिल गया। चलो तो इजार भाई, ये आपकी जो मूछ है ना भाई, बहुत ही जम रही है, लगता है मुझे भी मूछ रखनी पड़ेगी। हाँ, एक बार तो लुक चेंज करना करूंगा मैं। हाँ, लुक चेंज करो। हाँ, थोड़ा सा मैं भी देखूंगा मूछे कैसी लगती है। लुक चेंज करो। उसका वेट था लगभग 600 ग्राम और कट पिट के वो रह गए लगभग आधा किलो बची हुई। उसको टाइम नहीं है फ्राई करने का, अभी हमने फ्राई उसको रोस्टेड, जैसे मैंने आपको दिखाया रोस्टेड, उसको मैरिनेट करके उसे रोस्टेड करा दी। तो भाई अद्दान भाई हमारे साथ है, अद्दान भाई ने मछली हमें दिलाई। मिट्टी और बारिश लग रहा है, घर पहुंचने में हो जाएगी परेशानी। भाई बन रहा है बटर चिकन ग्रेवी, बाहर की तेज बारिश है और आंधी के साथ बारिश है, इतना भीग गया और थोड़ा सा अभी मैं पहुंच गया हूँ घर, ठंड लगने लगी यार। तो रमजान में भी थोड़ा टाइम है, मैंने कहा मैं बनाने वाला हूँ आज पिज़्ज़ा, वो भी तंदूरी रोटी का। तो गाइस ये मैंने तैयार कर लिया है चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा और ये है पनीर वाला पिज़्ज़ा। तो बाकी है बस करते हैं इसको बेक। हल्की सी बारिश होने के बाद यहाँ लाइट गायब हो जाती है, अब लाइट गायब हो गई तो अभी यहाँ पैन में इसको पिज़्ज़े को बेक करना पड़ रहा है। भाई माशाल्लाह से आज हमारे मेन्यू में है गिने चुने आइटम, लेकिन है दमदार आइटम। यहाँ इधर है फ्रूट चाट और ये है थोड़ा सा फिश। यार इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन क्या हुआ कोई नहीं, ट्राई करें कुछ नया। और ये बनाया मैंने पिज़्ज़ा और ये है बटर चिकन। तो बटर चिकन मैंने ग्रेवी वाला उधर से लिया जहाँ वो कढ़ाई बन रहा था। तो भाई सी फूड हो गया, इंग्लिश फूड हो गया और अपना देसी फूड। तो भाई आज मेन्यू में पूरा मेरे सही का फूड है बनाया। भाई हमने खरबूजे वाला शेक, भाई कलर देखो कितना शानदार आ रहा है। ओए होए भाई गुड।
तो भाई बस 2 मिनट रह गई है रोजा होने में और बहुत ही मजा आने वाला है माशाल्लाह। भाई मैं पीऊंगा ज्यादा, आप लोग पियेंगे थोड़ा, ठीक है? इसमें ये कौन पिएगा? ये उमर अब्दुल्ला पिएगा, छोटा वाला। तो भाई माशाल्लाह से मैंने रोज़े की दुआ पढ़ ली और रोज़ा हो गया। भाई शुरू करता हूँ रूह चार से। आज बहुत एनर्जी वेस्ट हुई, भाई प्याज बहुत तेज लगी थी, खरबूजा शेक, तो भाई ट्राई करता हूँ येलो पिज्ज़ा जो चीज़ बस्ट और पनीर की टॉपिंग की है मैंने। और भाई बहुत किस पिया, जब पहले पीस कर लो नहीं हो, हाउ चीजी। यार इस इतना बढ़िया इतना टेस्टी मैंने पिज्जा बनाया कोई ब्रांड नहीं बना सकता, शर्त है। और चीज देखो, ओहो हो सी फूड, ये है फिश पॉपलेट, इसमें सिंगल कांटा होता है। अमेजिंग टेस्ट है या फिश का जो टेक्सचर है ना, ऊपर से जो लेयर है वो क्रिस्पी है। जो मैंने इसको तंदूरी कराया था वो अंदर से सॉफ्ट। भाई मजा आ गया। तो गाइस ये बनाया हमने चीज बस्ट पिज्जा, लाइट ना होने की वजह से इसको पैन में ही बेक किया। ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, चीज है खत्म होने का नाम ही लेनी है। तो भाई इसको थोड़ा स्पून से लपेट लेती हूँ, डर लग रहा है कभी मुँह ना जल जाए। तो भाई चीज़ देखो कितनी औसत तरीके से खिंच रही है। एकदम क्रिस्पी, यह चीज तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो रही है इसके अंदर, बटर चिकन। और लेकर आया मैं साथ में तंदूरी रोटी, इसको भी ट्राई करते हैं। आई होप यार पेट तो भर ही जाएगा। ओहो भाई इसकी जो ग्रेवी है ना बटर चिकन की, मुझे बहुत पसंद है। ऑसम टेस्ट है यार। लुकमो में ना भर भर के खाने में इसकी ग्रेवी का मजा है। लेग पीस बटर चिकन वाला लेग पीस,
सच में यार बाहर बारिश है, जितना भीगा था उतना ही मजा आ गया। मैं सोच रहा बहुत ठंड लगी थी, खाने में लेकिन उतना ही मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सातवां रोजा हुआ मुकम्मल और कल कर अब करते हैं तैयारी आठवें रोजे की इंशाल्लाह। और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा दस्तरखान पे क्या देखना पसंद करेंगे आप। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।